तो मॉर्निंग हाफ में जितनी भी हम पीछे कर रहे हैं हमने, हमारे बबलू भाई बोल रहे हैं कि हम कितनी करेंगे बबलू भाई। कल हम पीछे कर रहे थे तेरे वार्स, हमने एक उशोका को मोड़ा तो प्याज की भी बोरी भर ले आए थे, जी फटा रहे थे हमने उसका ही पता जो पीछे है वो जाकर ठाड़ों पर जब गली के लोग अब हमें तो बता दें इसके रहे जमनी बार अपन मजाक में कहते कि जब बातों घाले से हुआ वजह है पूरे वो सही में घल गई जब वो कह रहा है रे रुक जा रुक जा। What's up everybody, this is Wahid and we're back again with a new vlog. I hope you guys are all doing fine. तो बेसिकली गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सहजपुर, अपने लिए कुछ काम है। पहला काम क्या है, अपनी ये जो अपनी बाइक है उसका टायर पंचर हो गया है तो उसको पंचर बनवाना है और कुछ पिसाई वगैरह करवानी है और जो अपने कल्टीवेटर की नीचे ब्लेड्स होती हैं उनको शार्प करवाना है। तो चलो चलते हैं, अपने साथ है बबलू भाई जो कि मुकद्दम के छोटे भाई हैं। आप लोग मुकद्दम को तो जानते होंगे कि अभी बाहर से आए हैं, कहाँ थे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वो लंबो लंबो घूम रहा है। छिपकुली याद ही आ रहे थे, उन्होंने कहा दिया तो उन्होंने कहा नहीं कहाँ गए यार। चलो 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 वो रिश्तेदार भगले। हेलो भगवो तो तुम कहाँ चलो उतर जाना ना आई चपट चिपलू जाए भगु चला जा। आय हाय हाय ये तो है तो नन्या मौस काट दे बंद बंद तो नहीं करना उस्ताद, इमेज डर है उसकी दो में भर जाए। चलो सुपर सीधा वो मैं कर रहे थे। अब तो हमें क्या बताओ, अपन जब खेत खूब बखरा थे उसके बाद कछु दिन सुकूत है, उसके बाद जब भी डेमला फूटन लगा तो फिर रोटावेटर चला आए थे, रुक गया तरह जा रहे थे कौन फसल बोवे से पहले जमीन को अच्छी तरीके से सुखा ले, अच्छी तरीके से एक बार सुखा ले कि जितने भी वो बैक्टीरिया हैं फंगस हैं जो पुरानी फसल में लगे थे तुम्हारे फंगस बैक्टीरिया सूख जाए, फसल जमीन सूख जाए तो मर जाए हैं, अगर जमीन नहीं सूख रही तो भी नहीं मारे वो तो क्या करा थे भाई, धान लगाई उनने धान काटी वो कि पिछला भाई चला दे सुपर सीडर बखरनी तक नहीं करे सीधों को चला तो वो में आगे बखर लगा रहे थे बीच में रोटावेटर रहे थे और पीछे बोनी मशीन रहे थे, कितने बड़े गंवान ने कहा नहीं बेस हो जाते हम अच्छो काम कर रहे हैं फायदा आ रहा हो ज़्यादा बखरनी न करने पर है कछू न करने पर सीधी भूख भगे आओ मतलब चौगनी दवाई डालने पर चार गुनी दवाई कचड़ा की दवाई फंगस की दवाई उसके बाद जो बात होगी धान की दरवाई वो कुछ शराब के लिए दवाई डालना पड़ा था, जब इतनी दवाई डाल हम तुम्हारी फसल मतलब जमीन 10-15 साल में खराब हो जाए। तो फिर बताओ हाँ तो चलो बताओ यार ब्लॉग अच्छे लगा नहीं लगा यार, लगा थे यार भाई। रोज डाल रहे के दो चार दिन में एक आध दिन चलो ठीक है
बना तो हम रोज रहे हैं यार, डाल नहीं पा रखा है, वो सुधारे में बहुत समय लगा था, अभी हमारे चल रहे हैं पेपर। हाँ तो हम बना तो हैं और फिर पढ़ भी बेच जात सिस्टम गड़बड़। मैंने वहाँ से यहाँ अलग है, आज यहाँ हैं दो, आज ये कब आ रहा है अब भाई दो सर बिल्कुल चले जाओ। हाँ बंदा कह रहा भाई ये तुम रेगुलर व्लॉग का ही डाल रहा है, हम नहीं तुम पूछे ऐसा बोलो यार भाई से हो जाए। ऑल सेट गाइस, एवरीथिंग इज डन, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। जो अपने लिए अपने कल्टीवेटर की ब्लेड साफ करवानी थी वो तो हुई नहीं है, बाकी सब हो गया। अपन ने ऑनियन की बोरी भी खरीद ली है और क्या, और टायर आयर भी बन गया है और सब हो गया है। अब बस चलते हैं घर की तरफ और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। अभी तो लग चुको तो बुलेरो घर पर रखने के बाद अपन आ चुके हैं अपने खेत पे बोरियाँ देने के लिए, बिकॉज़ अपनी ओनियन की जो हार्वेस्ट है वो चल ही रही है और यहाँ पे बोरी ख़त्म हो गई थी, तो बस इनको देते हैं उसके बाद चलते हैं घर की तरफ वापस। तो मैं घर की तरफ जा ही रहा था और मैंने देखा कि ट्रैक्टर आ रहा है, तो शायद पापा ने इसको ओनियन भरने के लिए भेजा होगा। जो अपन रात को ओनियन भर के ले गए थे वो इन लोगों ने घर पर खाली कर दी होगी और अब और भरने के लिए आ गए हैं काफ़ी सारे। तो ये लोग जितने में ट्राई लोड कर रहे हैं इतने में अपन खाना वगैरह खा के आते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो अभी तो चलते हैं, लेट्स गो। जो बीमारी है पूरे गन्ने के अंदर आ चुकी है, पत्ते से सूख रहे हैं। चलो अब पापा से डिस्कस करेंगे, उसके बाद पापा खींच ले जाएंगे तो मैं उनके लिए फ़ोटो भेज दूंगा, तो वो उसके हिसाब से इसके लिए दवाई वगैरह लेके आएंगे। वैसे बैक टू द फार्म आफ्टर ईटिंग अलॉट, और ये जो अपने गन्ने हैं इसलिए सूख रहे हैं बिकॉज उनको लग गई लपट। बैक टू द फार्म। तो करंटली आई एम कलेक्टिंग सम वेजिटेबल्स और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी मूंग कुछ इस कंडीशन पे आ गई है, और आज मैं सोच रहा हूँ इस पर स्प्रे करवा दूँ बिकॉज इसमें फंगस की प्रॉब्लम है। एज यू कैन सी सफ़ेद मच्छर और ये मक्खी टाइप की है, तो आज अपन इस पर शाम को स्प्रे करवा देंगे। स्प्रे ऑलरेडी घर पे रखा है, हम लोग लेके आए थे कुछ दिन पहले बट अभी तक डाला नहीं है। आई डोंट नो यार अपने पूरी की पूरी टमाटर की इस फसल को क्या हो गया, अपने जो ये नए वाले टमाटर लगाए थे ये कम्प्लीटली क्रैश हो गए हैं, ख़राब हो चुके हैं कम्प्लीटली। आप देख सकते हो इनको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे पंचायत वगैरह के काम में और मैं तो पढ़ाई लड़ाई में बिजी था, तो इस पर ज़्यादा कुछ फोकस हुआ नहीं है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसमें लीफ कर्ल का जो रोग था वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गया, तो पूरी की पूरी फसल बेकार हो गई। जब एक दो पत्ते लीफ कर्ल होते हैं तो आप उनको खेत से उखाड़ के अगर फेंक दोगे तो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी, बट हम लोगों ने ऐसा किया नहीं बिकॉज मैं आया नहीं खेत पे और डैडी बिजी रहते थे, तो बस लफड़ा हो गया। व्हाट द हेल। तो मॉर्निंग हाफ में जितनी भी हार्वेस्ट हुई थी उसको अपन ने भर लिया है ट्राली के अंदर और बस इसको अब लेके चलते घर पे और घर पे इसको खाली कर देंगे। हाँ रुक जाओ आवाज जा तो है, हट गयो नरेश। पापा तो भूसे आ रहे हैं यार। तो बेसिकली गाइस पानी आ चुका है, पानी थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है, बट पापा ने पहले ही ट्रैक्टर पहुंचा दिया था खेत पे, तो अपन भर के आ चुके हैं वहाँ से अपनी ऑनियन, तो अब अपने लिए कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज अगर नहीं भर के लाते तो टेंशन हो जाती। तो अभी तो मैं यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ ऑनियन रखी जा रही है और यहाँ पे जीप लगा दी थी ताकि कोई इसके अंदर एनिमल्स ना जा पाए, तो अब मैं जीप हटाता हूँ और ट्रैक्टर आ रहा है तो जल्दी से यहाँ पे खाली करवा देंगे। ओए 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 ओए, देखो डैडी ने एक और बिंदास काम किया है, यहाँ पे जाली लगा दी है ताकि कोई एनिमल्स इसके अंदर ना आ पाए। वाओ डैडी वाओ।
हमारे बबलू भाई बोल रहे हैं कि हम कितनी करेंगे बबलू भाई। अबे का कह रहा तो कह रहा हमने पिछली भी कह रहा हम पिछली भी राय हमने 25 करी थी, हमने 25 कर दिया था, 200 दे हैं ये कहीं कर दे एक दिन करी थी इतना खतरनाक शरीर प्राण हो तो भगवान की से ये शो के कर दे 25 बिना होने बहुत से बहुत 2-5 होने कर रहा तो कितने कर पा रहा है जो उठा ले जो हल्को वादे कर दे नहीं मैं नहीं फिर हम उठवा दे हैं तुम काटे हैं सल ले रहा है तो ना पीछे हम बैठो तो ना और आगे थे हम बैठो होते होते कहाँ थे हम बैठो होते तो ना और आगे से रखे आओ चाहे फिर वो तो बोरी में झुका थे हाँ था ऐसी क्या ऐसी पकड़ रहा है अंडे ऐसे में थोड़ी बन हाँ उठा अरे का कह रहा तो का कह रहा तो का कह रहा का कह रहा तो 25 अब तुम जो पक रहे हो हम कर रहे हैं 25 तगड़े दी हिक विच वजिया नहीं सदा तगड़े कितने 25